एनपीएफ के केंद्रीय कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रवक्ता ए के कौन ने नागालैंड प्रदेश भाजपा को चेतावनी दी कि वे राजनीति और धर्म को आपस में न जोड़े। उन्होंने कहा कि ऐसा करना भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए हानिकारक है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों के विसर्जन को लेकर विभिन्न चर्चों ने जिस तरह के कदम उठाए हैं उस पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री कौन ने यह बात कही। उन्होंने साथ ही यह कहा कि देश के महान नेता की अस्थि को लेकर प्रदेश बीजेपी ने जो रवैया दिखाया है उसने नगा लोगों की छवि धूमिल की है। कौन ने कहा कि वाजपेयी की अस्थियों के विसर्जन को लेकर नगा लोगों को उकसाया गया है जो कि दुर्भाग्यजनक है। Some of the church association as well as some social forum. As I've said, since we enjoy certain rights under Article 371A, where our religion, our social practices, natural resources are all being protected, so people have every reason to feel provoked and to feel bad. And that's how we have seen the reaction, response already. Whether it be from the church forum or the social forum. So, it is unfortunate that the BJP leadership, without realizing the counter consequences of what will happen. हाल ही में मिजोरम क्रिकेट एसोसिएशन को बीसीसीआई की ओर से मिली स्वीकृति के बाद प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ियों में खासा उत्साह है। मिजोरम क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री लाल सिंहावला के नेतृत्व में आगामी रणजी ट्रॉफी और राष्ट्रीय स्तर की अन्य प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने की पुरजोर तैयारियों में जुटा है। सीएएम के अंतर्गत मौजूदा 30 क्रिकेट क्लब पंजीकृत है। बीसीसीआई से मिले स्वीकृति के बाद प्रदेश में क्रिकेट के विकास के लिए मिजोरम क्रिकेट एसोसिएशन को पर्याप्त राशि और साधन उपलब्ध होंगे। We have 30 clubs and 29 clubs are fully Mizo clubs. So that is an achievement. What we feel, you see, when I first heard it, see, actually I felt like crying. And most of our members, even some, we could not control our tears also when I had the meeting at night and informed my members that we got this. So most of us were in tears. We have done the hard work. We have spent our own money. We have spent a lot of our own money. We didn't get much money and because it was not popular. We are too happy that we got it. And since we have lost many talents have faded away. We had very good players. They have faded away. But now we expect this our generation to have a better future. And you see, by playing cricket, you can become rich. So if they play well, and in Northeast zone now we are going to have a play zone, our boys will have a very good chance. And in our women also, our girls also. राज्य के सड़क संपर्क में सुधार के लिए मेघालय में दो नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की योजना है। पहला राजमार्ग होगा पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम खासी हिल से गुजरने वाला मॉनगैप रानीपुर राजमार्ग। वही दूसरा राजमार्ग टू लेन होगा यह नोंगस्टोइन बाहकादी सड़क दूसरे छोर पर बागमारा को जोड़ेगा। पूर्वोत्तर में स्पेशल एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इन दोनों राजमार्गों का निर्माण होगा। सड़क परियोजना के जल्द शुरू होने की उम्मीद में राज्य सरकार ने खासी हिल स्वायत्तशासी जिला परिषद से एनओसी मांगी। वन डबल लेन व्हिच वाज ऑलरेडी अग्रीड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट वी हैड अ मीटिंग 2.5 months बैक विद मिस्टर गडकरी नितिन गडकरी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट वन दे अग्रीड इन प्रिंसिपल दैट Mau Phlang, Mau Ngap, Mau Phlang,
Wei Loi, Mau Kerwat, and then Rangthong up to Ranikor. Up to Ranikor, double lane road adopted by the Nahai. Okay? So that is one program which is, I should say, be taken up within few months from now. Again, one more project is there from Nong Stoin, from district headquarters again. From Nong Stoin, okay, Nong Stoin, it goes to Wakaji, again it goes to Nong Jiri, okay, Nong Jiri, Nong Jiri, then it goes to Maheshkola, it connects the headquarters of South Garo Hills, that is Bagmara. Again, that one also is a national highway. ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन ने आज डीएम कॉलेज परिसर में छात्र संघ का झंडा फहराकर 53वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष सैमुअल बी जिरवा, एएमएसयू के अध्यक्ष मनजीत सरांगथेम, नेसो के महासचिव सिनम प्रकाश और ऑल असम मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष पंगाबम नीलकंठ उपस्थित थे। विभिन्न नागरिक समाजों और विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया। स्टूडेंट बॉडी ऑफ द ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन द अपेक्स स्टूडेंट बॉडी वी फील वेरी प्राउडनेस ऑफ द 53rd फाउंडेशन डे ऑफ द ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन एमसू वी द स्टूडेंट कम्युनिटी आर ट्राइंग इन आवर बेस्ट लेवल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर स्टेट मणिपुर देयर आर लॉट्स ऑफ इशू इन आवर स्टेट मणिपुर वेदर इट मे बी बॉर्डर पिलर नंबर 81 वेदर इट मे बी फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीमेंट्स And many problems are facing in our state Manipur. The framework of agreement is a very complicated issue. We, as a citizen of Manipur, we are fight against the colonial mindset of the Indian peoples. No land on ethnic grounds. No land should not be divided on ethnic grounds. And there will be no disintegration of our integrity. We, the people of Manipur, we will work together, we will join together. Hand by hands, we the Manipuri should work together for a common future. Such problems we are trying to solve in the best way.